ब्रह्मांड ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती गुलोक उजागर जय प्रभु का हृदय तो वेदना से फटा जा रहा होगा। भाभी माँ के चले जाने से हृदय द्रवित हो रहा है। मैंने तो प्रभु और माता के सुखमय मिलन की कल्पना की थी, सोचा था कि प्रभु का परिवार पुनः एक साथ होगा तो सभी के मुख पर प्रसन्नता छाई होगी, किंतु ये पल तो घोर निराशा के पल बन गए। सभी रो रहे हैं, सभी दुखी हैं। पुत्र, सबका ध्यान रखना। पुत्रों, अब माता यहाँ नहीं है, किंतु तुम्हें दुखी देखकर वो कदापि प्रसन्न नहीं होती। माता ने तुम्हें सबल और दृढ़ बनाया है पुत्रों, उसका परिचय दो तुम दोनों पुत्रों। अपने पिता प्रभु श्री राम को जिस अपार कष्ट का अनुभव हो रहा है, उससे अब उन्हें तुम ही निकाल सकते हो। माता, माता। प्रभु, हे परमेश्वर, माता इस प्रकार हम सभी को दुखी देखकर स्वयं कितने दुखी होंगी। उन्होंने जीवन में इतने कष्ट देखे, इसलिए अब तो माता को हमारे कारण और कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए प्रभु। और माता पीड़ा मुक्त तभी रहेंगी जब हम अपनी पीड़ा को भुला देंगे। प्रभु, मुझे ज्ञात है माता सीता के बिना आप अधूरे हैं, किंतु आपके इस अधूरेपन को दूर करने वो अपने दो नन्हे स्वरूप तो आपके पास छोड़ कर गई हैं। प्रभु, अब आप इन्हीं को अपने जीवन का आधार बनाकर इनसे संबल प्राप्त कर अपने आप को आप संभालिए। प्रभु, आप इन दोनों को लेकर अयोध्या लौट चलिए। प्रभु, प्रभु माता की इच्छा अनुसार अपने इन दोनों पराक्रमी पुत्रों को अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने में आप सहायक बनाइए, जिसे पूर्ण करना धर्म के लिए भी अति आवश्यक है। प्रभु, सबहु परस्पर ढाढ़स बंधाए, लव कुश सहित अवधपुरी आए, देखी हर साई नर और नारी, तिनहु माता स्नेह निहारी। किंतु जब सीता ना देखी, रोए नयन स्मृत वैदेही, लव कुश बैठी निकट रघुराई, पूर्णाहुति श्री यज्ञ प्रदाई। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान।
हनुमत हर्ष पुष्प बरसाए, जोड़ रघुराई तक जाए, सीता मूर्त सजीव हो आई, देखे राम लव कुश कपिराई। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। अब तो आपके पुत्रों को आपको सौंप कर मेरा जीवन और भी तृप्त हो गया है, इसलिए अब मुझे अंतिम परीक्षा देने का समय आ गया है, जिसके बाद कभी भी कोई मुझ पर संदेह की उंगली ना उठा सके। सीते! संपूर्ण रात्रि ऐसे ही जड़वत माता की प्रतिमा के समीप बैठे रहे हैं प्रभु, एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं हिले, जैसे माता के जाने से उनके प्राण ही उनके शरीर से विलग हो गए हो। मुझे उनकी मनःस्थिति परिवर्तित करने का कोई उपाय करना ही होगा। प्रभु, आपके दोनों पुत्र तो बहुत नटखट हैं। अभी अभी दोनों को कंधे पर बैठाकर संपूर्ण अयोध्या का भ्रमण करवा कर लाया हूँ। प्रभु, किंतु उनका तो मन ही नहीं भरा अभी। प्रभु, आपके कक्ष के दाएं बाएं उनके कक्ष भी सज्जित करवा दिए हैं। प्रभु, दोनों ओर से आपके दो हाथों के समान रहेंगे, और प्रभु जितना मैं उनको समझाऊं वो तो आप पर ही गए हैं। प्रभु, वो रघुकुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के कार्य करेंगे। जो शिक्षा मैंने आपसे प्राप्त की है ना, मैं उन्हें सब सिखा दूंगा। फिर भी प्रभु, उन्हें तो आपके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। आप भी उन्हें प्रशिक्षण देना आरंभ कर। सीता की यही इच्छा थी ना कि तुम उनके परिवार का ध्यान रखो। हनुमान, हनुमान, यदि तुम ना होते तो क्या होता मेरा? कैसे संभाल पाता मैं अपने आप को? सीता ने उचित कहा, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरे कुल के वंशज मेरे पुत्र दिए मुझे, उन्हें उचित शिक्षा दिलवाकर योग्य बना दिया, तो फिर इस संसार में वो क्या करती? यही शब्द देना मेरी सीते के जब वो मुझे छोड़कर गई। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? सीता का इस संसार से जाना मेरे लिए एक संकेत था। इस धरती पर अब मेरे कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। संसार में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, राक्षसों का अंत हो चुका है। अयोध्या का ध्यान रखने के लिए भरत पूर्ण रूप से योग्य है। फिर इस संसार में मेरे जीने का क्या अर्थ है हनुमान? फिर तो अब मैं भी संसार त्याग सकता हूं। प्रभु, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं?
प्रभु, आप ऐसा कोई निर्णय मत ले लीजिएगा। ले भी नहीं सकूंगा हनुमान, क्योंकि तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे। और फिर मेरे साथ मेरी परछाई के रूप में लक्ष्मण भी तो है ना। अपनी परछाई को छोड़कर कोई भला कैसे जा सकता है? पिताश्री के धरती से प्रस्थान करने के पश्चात लक्ष्मण ने मुझे पिता के स्थान पर रखा, किंतु पिता के समान सदैव ध्यान तो उसी ने मेरा रखा। लक्ष्मण ने सदा संभाला है मुझे हनुमान, सदा संभाला है। वनवास के समय भोजन का एक निवाला भी ग्रहण किए बिना एक पिता के समान सदैव मेरी प्रत्येक इच्छा का ध्यान रखा है लक्ष्मण ने। रावण द्वारा सीता हरण के समय मैं टूट गया था। निराशा और क्रोध से भरकर ब्रह्मास्त्र से संसार को ही नष्ट करने चला था मैं। तब लक्ष्मण ने मुझे उस स्थिति से निकाला और मुझे युद्ध करने का साहस दिया। मैं जाना भी चाहूं तो उस लक्ष्मण को कैसे छोड़कर जा सकता जिसने गृह एवं परिवार, यहां तक कि अपनी पत्नी का त्याग कर मेरा साथ दिया। मेरा अचानक संसार त्यागना संभव नहीं। मर्यादा के बंधन से बंधा ईश्वर के बुलावे पर भी लक्ष्मण के रहते में नहीं जा सकता। कदाचित सीता को वनवास भेजने का यही दंड भुगतना है मुझे। सीता से विलग होकर इसी प्रकार जीना होगा मुझे। सीता रूपी प्राण जाने के बाद ये जो तुम्हारे समक्ष है ये एक प्राण रहित शरीर ही तो है हनुमान। प्रभु के दुख को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि श्री राम की श्री के प्रस्थान के पश्चात शेष रहे राजा राम के संसार को छोड़कर लौटने का, अर्थात राम अवतार की समाप्ति का समय आ चुका है। किंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम देह से यहां नहीं रहेंगे, परंतु भगवान के रूप में श्री राम और उनका नाम दोनों संसार में सदा स्थापित रहेंगे। संसार का नियम भी तो है, जो मां की कोख से जन्म लेता है और देह धारण करता है उसे एक न एक दिन संसार को त्यागना अवश्य होता है। किंतु ब्रह्मदेव, प्रभु श्री राम के कथनानुसार लक्ष्मण जी के कारण अभी वो संसार त्यागने में असमर्थ है, फिर ये कैसे संभव होगा? असंभव को संभव तो नियति बनाती है। संसार को त्यागने का संयोग रचना यमराज का कार्य। प्रभु? हाँ यमराज, ये आपको ही सुनिश्चित करना होगा। जब आप श्री राम को यह सूचना दें कि पृथ्वी पर राम अवतार का समय समाप्त हो गया, लक्ष्मण उस समय श्री राम से दूर रहें। प्रभु श्री राम जगत के नियमों की मर्यादा का पालन करेंगे, आपके कहने पर संसार त्याग दें। अब आप जाइए और अपना कार्य आरंभ। ब्रह्मदेव, लक्ष्मण जी को कुछ पल के लिए मैं राम जी से दूर कर भी दूं, किंतु उनका क्या जो उनसे भी बड़ी बाधा है? लक्ष्मण जी को कुछ पल के लिए मैं राम जी से दूर कर भी दूं, किंतु उनका क्या जो उनसे भी बड़ी बाधा है? प्रभु, हनुमान जी तो राम जी के प्रतिबिंब है,
प्रभु परछाई को कुछ पल के लिए मैं दूर कर भी दूं, किंतु प्रतिबिंब को कैसे हटा पाऊंगा मैं? प्रभु मैं जिस भी रूप में वहां जाऊंगा हनुमान जी मुझे पहचान ही लेंगे। उनके निगरानी में मैं राम जी को संसार त्यागने का संदेश कैसे दे पाऊंगा भला? निश्चिंत रहिए, नियति ने इसका संयोग भी पूर्व में ही निर्धारित कर दिया है, क्योंकि संकट जहां है संकट मोचन भी वहीं रहेंगे। अयोध्या के उस घंटे की ध्वनि जिससे कोई भी प्रभु श्री राम से सहायता की गुहार लगाता है, अवश्य ही कोई बहुत बड़े संकट में है। प्रभु मैं जाता हूं। रुक जाइए, मैं प्रस्तुत हूं आपकी सहायता के लिए। आप अपने आप को संभालिए। ये तो मामा श्री युद्धजीत है। अपने आप को संभालिए मामा श्री। बताइए क्या संकट है, बताइए मामा श्री क्या हुआ है? गंधर्व यक्षों के समान शक्तिशाली, भोग विलास में लिप्त रहने वाले अहंकारी गंधर्व प्रणाम मामाश्री, आप शांत हो जाइए, आप यहां सुरक्षित हैं। बताइए गंधर्वों ने कैसा संकट उत्पन्न किया है? प्रभु गंधर्वों के नए राजा दिव्यहस्त ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया है, और उनके सेनापति ताओमुख के नेतृत्व में अपनी सेना को मेरे प्राण लेने के लिए भेज दिया है। वो मायावी गंधर्व ऐसे हैं कि जहां जाते हैं वहां अंधकार छा जाता है। उनके मुख भी बहुत विचित्र हैं, किसी मायावी ऊर्जा से प्रकाशित रहते हैं। जो वास्तव में कुछ अधिक ही विचित्र है। वो किसी भी क्षण मेरा अंत करने के लिए यहां पहुंच सकते हैं। प्रभु आप ही अपने शरणागत की रक्षा कर सकते हैं। शरणागत नहीं, हमारे पिता तो ले हैं आप। माता के कई के भ्राता होने के नाते आप हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, और आपका राज्य राम राज्य का भाग है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ना आप पर कोई आंच आएगी और ना ही आपके राज्य पर। आकाश में छाया अंधेरा इसी बात का सूचक है कि वो हमारे समीप हैं। उन्होंने जब हमारे राज्य पर आक्रमण किया था तो तब भी ऐसा ही हुआ था। प्रभु सर्वप्रथम वो आगे से आए थे, और उसके पश्चात उन्होंने हमें सभी दिशाओं से घेर लिया। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अकेला ही जाकर उन्हें संभाल लूंगा।
इसके पूर्व की वो अयोध्या में प्रवेश कर यहाँ के नागरिकों और संपत्ति को हानि पहुंचाएं। मेरे द्वारा उनका रोका जाना अत्यंत आवश्यक है प्रभु। हाँ हनुमान, यही उचित है। तुम जाकर उन्हें रोकना आरंभ करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारी सहायता के लिए प्रातः भरत को सेना के साथ भेजता हूँ। जय श्री राम। मामा श्री के अनुसार वो सभी दिशाओं से आक्रमण करेंगे। राजा लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम दोनों जाकर अयोध्या के अन्य द्वारों को भी सुरक्षित करने का प्रबंध करो। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। जब तक हनुमान जी उन्हें पराजित कर नहीं लौटते, तब तक हम सजग रहकर आपकी रक्षा करेंगे। गंधर्वों की ये विशाल सेना इसी ओर बढ़ रही है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। हनुमान जी, आपकी महिमा है अपरंपार, हमारी भी भक्ति स्वीकार करें। देखो पुत्रों, कितने महान और कितने भोले हैं मेरे प्रभु। भगवान होकर भी अपने ही भक्त की स्तुति गान कर रहे हैं प्रभु। किंतु मेरी तो मात्र एक ही इच्छा है। जीवन भर प्रभु के चरणों में रहने का सौभाग्य मिले बस। प्रभु, यदि आप पुनः अपने इस भक्त को कुछ देने के इच्छुक ही हैं, तो आप मुझे बस इतना ही दे दीजिए
की अपने संपूर्ण परिवार को अयोध्या ले चलिए। माता के साथ वहां लवकुश के आने पर अयोध्या नगरी भी तृप्त हो जाएगी प्रभु। हनुमान उचित कह रहे हैं प्रिय, समय आ गया है हम सभी के लौट चलने का। प्रभु, जब अग्नि परीक्षा देने के बाद प्रजा ने मुझ पर अविश्वास किया तो फिर मैं कैसे लौटूं अयोध्या? ऐसा ना कहो सीते, संपूर्ण जगत को ज्ञात है कि पवित्रता और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति हैं आप, और प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए था हम कर चुके। हाँ स्वा, आप उचित कहते हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने किया, किंतु दूसरों के मन की भावना कौन जान सकता है। माता कहना क्या चाह रही हैं? अयोध्या नहीं जाएंगी तो क्या करेंगे माता? मैं नहीं जानती कि पुनः आपको उसी स्थिति का सामना करना पड़े, पुनः आपका राजधन या आपकी मर्यादा हमारे मध्य आए, पुनः ना तो वनवास ना ही अग्नि परीक्षा मैं सहन कर पाऊंगी और ना ही आप। माता क्या कहने की चेष्टा कर रही हैं? क्या है उनके हृदय में? इसलिए इस बार जो मैं करने वाली, उसके बाद इस संपूर्ण जगत में मेरी पवित्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। भूमि जाहो, भूमि माँ की कोख से ही जन्म हुआ था मेरा, और अब मैं पुनः उन्हीं के गोद में समा जाऊंगी। नहीं सीते, अब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे त्याग ने, आपके वनवास ने सभी के मन में यह अटूट विश्वास जागृत कर दिया होगा, आपके समान पवित्र और पतिव्रता इस संसार में और कोई नहीं प्रिय, और कोई नहीं। आपकी मर्यादा के लिए जो करना चाहिए था हमने किया, किंतु अब मेरी मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए ये अनिवार्य है। मैं तो बस आपके पुत्रों को आपको सौंपना चाहती थी, इसलिए मैंने माता ललिता देवी की पूजा की, और देवी माता की कृपा से आज वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी मैंने कामना की थी। तो फिर इस मिलन को पुनः विरह मत बनाओ प्रिय, पुनः विरह मत बनाओ। मेरे साथ अयोध्या लौट चलो सीधे, लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। नहीं स्वामी, इस संसार में मेरे सारे कर्तव्य पूर्ण हुए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं सीते? अभी तो आपको मेरी पत्नी, लवकुश की माता और अयोध्या की रानी होने के नाते अनेकों कर्तव्य निभाने। ये सभी कर्तव्य मैं भली भांति निभा चुकी हूँ स्वामी, मुझे अपने जीवन से अब कोई असंतोष नहीं है। अब तो आपके पुत्रों को आपको सौंप कर मेरा जीवन और भी तृप्त हो गया है। इसलिए अब मुझे अंतिम परीक्षा देने का समय आ गया है, जिसके बाद कभी भी कोई मुझ पर संदेह की उंगली ना उठा सके। मुझे अनुमति दीजिए स्वामी। Thank you.
नहीं सीते, मैं आपको ये अनुमति नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं आपको ये अनुमति। मुझे जाने दीजिए स्वामी, मेरी इच्छा तो पूर्ण होने दीजिए। और मेरी इच्छा प्रिय, मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना, बताइए कैसे जीऊंगा आपके बिना। आपके कर्तव्य आपको सब सिखा देंगे स्वामी। आपके ईश्वर, आपके धर्म के निर्वाहन के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आशीष देकर अपनी स्वीकृति प्रकट कीजिए। को जाने दो, यदि तुम अपनी माँ का सम्मान करते हो, चाहते हो कि सर्वकाल सर्व जगत में कोई तुम्हारी माँ पर आक्षेप ना लगाए, सर्व जगत में तुम्हारी माँ की मर्यादा स्थापित हो, तो अपनी पुत्र को, अपनी माँ को जाने ही दो। अब से तुम्हारे पिता, तुम्हारे काका, भ्राता एवं पुत्र हनुमान तुम्हारा सदा ध्यान रखेंगे, उनका सदा आदर करना पुत्र। माता, इस प्रकार अपनी छत्र छाया से हमें युवांचित न कीजिए। हमें छोड़कर मत जाइए माते। इतने दिनों के बाद तो आपके स्नेह की छाया प्राप्त करने का अवसर मिला था। हाँ माता, आप मत जाइए। मुझे ज्ञात है मेरे इस निर्णय से आप सभी को कष्ट हुआ है, किंतु यदि आप अपने प्रभु श्री राम के समान ही मेरा सम्मान करते हैं, तो जिस प्रकार मेरे वनवास के समय आपने उनकी बात नहीं डाली थी, उसी प्रकार आज आप सब मेरी बात भी नहीं डालेंगे, मुझे कदापि नहीं रोकेंगे। अब मुझे मत रोकिए, जिस प्रकार आपने मेरा ध्यान रखा उसी प्रकार मेरे पुत्र लवकुश का ध्यान रखिएगा। माते, 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 माते। पुत्र हनुमान, माते, यह आवश्यक है, अनिवार्य है, जिस प्रकार तुमने प्रभु श्री राम की सभी आज्ञा का पालन किया है, उसी प्रकार
आज तुम मेरी आज्ञा का भी पालन करोगे। और मेरी आज्ञा है पुत्र कि आज तुम मुझे रोकने का प्रयास नहीं करोगे। मेरे पुत्र लव कुश का सदा ध्यान रखोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे पुत्र। पृथ्वी माता, हे पृथ्वी देवी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि यदि मैं अपने तन मन बुद्धि और विचार से सदा अपने स्वामी प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठावान रही हूँ, तो आप मुझे अपने गोद में लेकर अपने साथ ले जाइए। नहीं माता। माता, इस संपूर्ण संसार के समक्ष ये पुनः प्रमाणित हो जाने दीजिए कि आपकी पुत्री अपने पतिव्रत धर्म का यथायथ पालन किया है, जिससे मेरे स्वामी प्रभु श्री राम पर कभी कोई उंगली ना उठा सके। हे माता, मुझे अपने साथ ले जाकर आज ये प्रमाणित हो जाने दीजिए यही है मेरी अंतिम परीक्षा माता, और इसे आप सफल कीजिए। माता, आइए और मुझे अपने साथ ले जाइए। भूमि से उत्पन्न हुई ये भूमिजा आज आपके साथ समाहित होने के लिए प्रस्तुत है। मुझे पुनः अकेला छोड़कर मत जाओ सीते, मत जाओ। आपके इस द्रवित स्वर से मुझे रोकने से मेरा जाना कठिन हो जाएगा, किंतु स्वामी मर्यादा ही तो हमारे लिए सर्वोपरि है, और मेरी मर्यादा के लिए तो ये अनिवार्य है। इसलिए आज अंतिम बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, मुझे शांत और आश्वस्त मन से जाने दीजिए, प्रसन्न होकर मुझे विदा कीजिए। स्वामी, मुझे वचन दीजिए मेरे लव कुश को अयोध्या के राजभवन में प्रसन्नता का वातावरण प्राप्त हो। अब और मुझे मत रोकिए, मत रोकिए मुझे स्वामी। माते, 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 मत जाइए। माते, माते,
माते, मत जाइए। रुक जाइए माता, रुक जाइए माता, मत जाइए। माते, मत जाइए। माता, आप अपने पुत्रों की गुहार सुन लीजिए। माता आप मत जाइए, आप रुक जाइए। पुत्र हनुमान, ना मैं, ना मेरे प्रभु, ना मेरे पुत्र, ना मेरे देवर सदा यहाँ रहेंगे, किंतु पुत्र हनुमान तुम सदा यही रहोगे। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, निर्मल हृदय वाले हनुमान, दूसरों के कष्ट भरने वाले, मानवता के उत्थान करने में सदा तत्पर, तुम अनंत काल तक यही रहोगे। पुत्र, सबका ध्यान रखना। लव कुश रोकी रामा, किंतु सिया कछु और था ठाना। हनुमत चाही गुहार वैदेही, किंतु समीप पहुँच कर ठिठकी। भू माता और चली श्री सीता, राघव लोचन अश्रु पूरिता। अश्रुधरा संपर्क जो आए, सुंदर सुमन सब जग मुरझाए। राम सिया राम जय हनुमान। भूसुता और बढ़े श्री राम, हनुमत दो किशोर को धाम। धरती पुत्री धरा मह समाई, सब हूँ विवश लव कुश रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। माता, माते, सीते, 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 सीते। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। मेरी प्राण वल्लभ स्थित है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? नहीं प्रभु, मेरे स्वप्न, मेरे नाथ, सम्मुख राम आई वैदेही। भावुक मन से परस्पर देखी, गत संयोग दिवस दो ध्यान। निकट परस्पर चल सिया रामा, पग जब जब आगे श्री बढ़ाई। सुप्त सैन्य गण चेतना पाई, पूर्व वता भय सब हूँ अनुजा। अचरज लव कुश दो किशोरा, सियाराम सियाराम जय हनुमान। मेरी माता और मेरे प्रभु के मिलन की ये मधुर बेला, सब चैतन्य हो उठे हैं, अर्थात मेरे प्रभु श्री राम की विजय श्री लौट आई है। देव देवी सब हूँ हर साई,
पुलकित राम सैन्य व भाई, जानकी कमल चरण स्पर्शा, रघुराई किए नेह की वर्षा। प्रतिलोचन जल भर भर आई, लव कुश चकित समझ नहीं पाए। लव कुश तो महा असमंजस में है, अब माता कैसे समझाएंगी अपने पुत्रों को कि ये सब क्या है। इन दोनों बालकों के मन में अनेक प्रश्न घुमड़ रहे होंगे, इसलिए स्तब्ध खड़े हैं दोनों। किंतु इनके बाण अभी भी इनके हाथों में ही हैं, जो प्रभु पर लक्षित कर रहे थे ये दोनों। कहीं ये कोई भूल न कर बैठे। अपने पिता पर बाण साधने का दुस्साहस कर रहे थे तुम दोनों। पिता, हमारे पिता? अपने बड़ों से उद्दंडता की सीख दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अपने पुत्रों को क्षमा कर दीजिए स्वामी। मेरे पुत्र, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इसी कारण इन्हें देख इनके प्रति आत्मीयता के स्नेह का भाव जागृत होता रहा मेरे हृदय में। मैं तो इनके गान को सुनकर ही इनके स्वर से सम्मोहित हो गया था। इतने पराक्रमी बालक केवल रघुकुल के ही हो सकते हैं, भैया श्री राम के ही पुत्र हो सकते हैं। भैया राम के पुत्र, मेरे भतीजे अवश्य ही रघुकुल की परंपरा को आगे ले जाएंगे। असाधारण क्षमता से संपन्न है ये दोनों। ये आप क्या कह रही हैं माता? ही माता सीता है प्रभु श्री राम की पत्नी? और हम दोनों इन्हीं के पुत्र हैं? अर्थात आप ही जनक नंदिनी हैं, अयोध्या की रानी? आप हमारी माता ही महालक्ष्मी हैं? कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो रहा? एक बार पुनः कहिए माता, क्या आप ही माता सीता हैं प्रभु श्री राम की पत्नी और हम श्री राम के पुत्र? हाँ पुत्र, मैं ही जनक नंदिनी सीता हूँ और तुम दोनों इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र। यदि यही आपका और हमारा सत्य है तो ये सत्य हमसे क्यों छुपाया गया?
हमें क्यों नहीं बताया गया कि हम कौन हैं? आप शांत क्यों हैं माता? उत्तर दीजिए। पुत्रों, इसमें माता का कोई दोष नहीं। ये सत्य तुम दोनों से मात्र इसलिए छिपाया गया ताकि तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति क्रोध न जागृत हो जाए। किंतु नियति को तो यही स्वीकार था, वही हुआ जिसका माता को भय था। पुत्र, त्याग की तो यही मर्यादा होती है। राजपाट को त्याग कर आश्रमवासी बने तो यही जीवन को अंगीकार करना ही तो मेरा धर्म है। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा उचित लालन पालन भी इसी में निहित है कि प्रभु के अनेक अशुभ शत्रु कभी ये ना ज्ञात हो कि उनके ही पुत्र यहाँ आश्रम में पल रहे हैं। इसी में तुम दोनों की भी भलाई थी पुत्र, और जीवन के आरंभ में ही आश्रमवास के कारण तुम दोनों ने अनुशासित जीवन जीना सीखा, और ये सीख तुम्हें जीवन में सदा सफलता प्रदान करेगा। यदि माता सीता और तुम राजभवन के सुखों से वंचित रहे तो तुम्हारे पिता भी मेरे प्रभु श्री राम ने राज धर्म के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए वर्षों अपने ही हृदय को अपने से दूर रखने का कष्ट सहा। विरह की अग्नि में प्रभु स्वयं भी तपते रहे, माता को वनवास दिया किंतु स्वयं भी वनवासियों के समान ही अपना जीवन व्यतीत किया। पुत्रों, तुम्हें जिनका आशीष लेना चाहिए था तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो गए। जिनके कुल में उत्पन्न होने के कारण तुम पराक्रमी बने, जिनके गुणों को पाकर तुम विलक्षण बने, वही हैं तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके निर्णय पर संदेह किया, आपके त्याग को आपकी भूल समझ बैठे और आपके ही विरुद्ध खड़े हो गए। अपनी अज्ञानता के कारण आपके प्रभुत्व को नकारते रहे और आपकी सेना और आपके उन भ्राताओं पर अस्त्र उठाए जो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। चिंता मत करो पुत्रों, मेरी बुझाओं में समा जाओ और मिटा लो अपने सारे दोष। मिटा लो श्री। लव कुश वक्ष लगे रघुराई, वैदेही भावुक हो आई। सप्तऋषि सब देवता यक्षा देखी दृश्य महान प्रत्यक्षा। सियाराम सियाराम जय हनुमान, राम सियाराम सियाराम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान
कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबलि हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबलि हनुमान। पुत्र लवकुश, तुम दोनों को अपने काका भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भ्राता पुष्कर से क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रणाम भरत काकाश्री। काकाश्री भरत, आप तो पिताश्री के उन महान भाइयों में से हैं जिन्होंने अपने भ्राता के लिए राज सिंहासन का ही त्याग नहीं किया, अपितु उनके लिए आप तो अपने प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर थे। आप पर बाण जलाकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें काकाश्री। तुम दोनों मेरे भ्राता प्रेम का उल्लेख कर रहे हो, किंतु तुम दोनों में परस्पर स्नेह और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र। आपको भी प्रणाम लक्ष्मण काकाश्री। काकाश्री लक्ष्मण, आप तो परम योद्धा हैं। वनवास में पिताश्री का पग पग पर साथ दिया है आपने। हम आपको फांस में बांधने के लिए आपसे भी क्षमा याचना करते हैं। अपने पुत्र समान भतीजों में इतनी क्षमता है कि वो मुझे फांस में बांध सके, ये देखकर मुझे तुम दोनों पे गर्व है पुत्रों। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए शत्रुघ्न काकाश्री। शत्रुघ्न काका, आप वही महान योद्धा हैं ना जिन्होंने पिताश्री के अश्वमेध के यज्ञ की रक्षा कर राम राज्य के विस्तार में अपना योगदान दिया। हमने आप पर भी अस्त्र उठाकर जो पाप किया है उसके लिए भी हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारा युद्ध कौशल देखना तो मेरा सौभाग्य है। आप ही हमें क्षमा कर दीजिए पुष्कर भैया। मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमारे मध्य हुआ वो युद्ध था ही नहीं, भ्राताओं के मध्य युद्ध की कीड़ा मात ही थी। हे कपि श्रेष्ठ, हमें क्षमा कर दीजिए। पुत्र, एक और गुप्त बात तुम्हारे समक्ष उजागर करने का समय आ गया है। ये कपिश्रेष्ठ जो तुम्हारे समक्ष इतनी सरलता का भाव लेकर खड़े हैं, वो और कोई नहीं, संकट मोचन महाबली हनुमान ही। हनुमान जी, संकट मोचन महाबली हनुमान जी। तो वो हनुमान जी आप है ना जो पिताश्री श्री राम और काकाश्री लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर महाराज सुग्रीव से भेंट करवाने ले गए थे। आप ही हैं वो पवन पुत्र हनुमान जिन्होंने एक ही छलांग में सागर पार कर माता सीता को ढूंढ लिया था। वो रुद्रांश भी आप ही हैं जिन्होंने अपनी पूंछ से लंका नगरी को भस्म करने का पराक्रम किया था। आप ही वो संकट मोचन हैं जिन्होंने अहिरावण और महिरावण का वध किया था। आप ही वो राम भक्त हनुमान हैं जिन्होंने लंकेश रावण के वध के समय उसके काल का बाण पिताश्री को लाकर दिया था। हाँ पुत्र, हनुमान वही भक्त हैं जिनकी भक्ति की शक्ति से
मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सकता। ये वही हनुमान है जिन्होंने अनेकों बार मेरे और मेरे भ्राताओं के साथ पुष्कल के प्राणों की भी रक्षा की। ये वही हनुमान है जिनके कारण आज तुम्हारी माता से मेरा मिलन संभव हो पाया। मैं ही नहीं, संपूर्ण रघुकुल इनका सदैव ऋणी रहेगा। प्रभु, मैं जो भी हूं आपकी ही कृपा से तो हूं, आपकी ही दया से तो मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मैं तो मात्र एक चंचल वानर हूं। प्रभु, आप ही की भक्ति ने मुझे इतना समर्थ बनाया है। पुत्रों, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अपने जीवन को आनंद और संतुष्टि से भरना है, तो अपने जीवन को हनुमान के उदाहरण पर आधारित करो। अपने माता पिता और भगवान के प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा है इनकी। सभी वेदों के ज्ञाता है किंतु नवीन ज्ञान सीखने को सदैव लालायक रहते हैं। करते स्वयं है और उसका श्रेय मुझे और अपने मित्रों को दे देते हैं। जगत हित के लिए सदैव तत्पर रहना, पीड़ितों की पीड़ा हरना। तुम दोनों ने रामायण के माध्यम से जो मेरा गुणगान किया, उस गुणगान के वास्तविक अधिकारी तो हनुमान ही है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।